कान की गली हुई हड्डी। अरे दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हो, आपके कान की हड्डी गलने लगी है, हमें तुरंत चिंता हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है कान में हड्डी का गलाव, क्या इसके लिए ऑपरेशन ही जरूरी है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो हमें क्या परिणाम होंगे, ऑपरेशन कराएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों बहुत बार ये विकट एक दिमाग में हमारे विडंबना चलती रहती है, डॉक्टर ने ये बताया। बात करते हैं दोस्तों क्या है ये कान की हड्डी का गलाव। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भगवान ने हमारा कान बनाया है दो काम के लिए। पहला काम है हमारे जस्ट टू प्रोवाइड हियरिंग टू द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सुनाई का काम। दूसरा काम है हमारे बॉडी का बैलेंस बनाना। दोस्तों ये दोनों काम हमारे जो है कान के भगवान ने बनाए। अब दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत बार जो ये हमारा कान का जो सिस्टम होता है, उसका जो पर्दा होता है, जो हमारा पूरा सिस्टम उससे कवर होता है, दोस्तों उसमें बहुत बार क्या है, कान के पर्दे में किसी कारण से जो छेद हो जाता है, उस छेद के कारण जो रिकरेंट बार बार जो कान में जो मवाद आती है दोस्तों, किन्हीं कारणों से वो डायग्नोसिस नहीं हो पाता, पता नहीं लगता, या हमारी लापरवाही के कारण जो इन्फेक्शन है, जो पस है, वो अंदर जो कान का जो हमारी कवरिंग है, जिसमें अंदर का आंतरिक ईयर रहता है, उसके अंदर वो इन्फेक्शन होके वो बोन डैमेज हो जाती है, उसको कहते हैं कान की हड्डी गलना, कान का जो है वो अनसेफ ईयर, CSOM, एटिकोएंट्रल डिजीज, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको अगर हम नहीं ठीक कराते हैं और या ठीक कराते हैं, तो दोनों चीजों का अगर आप नहीं ठीक कराते हो दोस्तों इसमें, तो ये जो है पूरे कान का अंदर का जो सिस्टम होता है दोस्तों, जिससे अपने को सुनाई देता है, वो आपका डैमेज हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हमारे कान के ऊपर क्या है, हमारा दिमाग। अगर ये मवाद कान की जो है वो कान और ईयर के बीच, ईयर और हमारा जो ब्रेन है उसके बीच की अगर वो हड्डी गल गई, तो दोस्तों ये मवाद दिमाग में जा सकती है, बहुत बार जान पे आफत बन पाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। सो दोस्तों अगर इसको ठीक करते हैं तो क्या करते हैं, दोस्तों इसको ठीक करते हैं तो एक टिम्पेनोमैस्टोइडेक्टोमी सर्जरी होती है। एंड ये जो सर्जरी होती है इसमें एक मोस्ट एडवांस टेक्निक होती है ICW, इंटेक्ट कैनाल वाल मैस्टोइडेक्टोमी। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अंदर की सारी बीमारी हटा के एंड आपकी जितनी सुनाई का नुकसान हो गया उस सुनाई को भी रिगेन किया जाता है। दोस्तों 100% तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी सुनाई लॉस नहीं ला सकता, भगवान के जैसा कान तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी हमारा जो प्री ऑपरेटिव एक हियरिंग का असेसमेंट होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि आपकी कितनी सुनाई हम वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों वो जो सुनाई जो है हमारी जितनी लॉस होगी उसको भी ठीक करते हैं, एंड जो कान की बोन डैमेज होगी वो यहाँ से एक कार्टिलेज लेके उसको ट्रांसप्लांट करके वो भी बनाया जाता है, देन एक पर्दा लगा के उसको सील कर दिया जाता है, तो हमारी रेस्ट ऑफ जो लाइफ है वो वापस सेफ हो जाती है। नाउ यू कैन स्विम, नाउ यू कैन गो टू द बीच, स्विमिंग पे जा सकते हो, बीच पे जा सकते हो, वजन बाहर उठा सकते हो, एंड एक आनंद में दोस्तों आप जिंदगी बिता सकते हो अगर आपने समय पे ऑपरेशन करा लिया। अब आपके सामने है दोस्तों दूसरी कैटेगरी या पहली कैटेगरी, ऑपरेशन कराना है या ऑपरेशन नहीं कराना है, फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसलिए आज ही अपना अगर कान के अंदर डॉक्टर ने हड्डी गलने का मामला बताया है तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए निकल पड़ो। एंड ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, जिससे उसके लिए एक हड्डी गलने के लिए एक जागरूकता कायम हो सके। थैंक यू।